आज 9 तारीख का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो सारा शेयर करने वाला हूँ। सभी सभी बच्चे टेस्ट देने गए, रात को ही पहुँच गए, और मैंने 8 तारीख की रात को, मैं रात को 2 बजे तक ऑनलाइन रहा हूँ, लोगों की हेल्प की है, कैसे कहाँ से कैसे जाना है, और मैंने आप सब के लिए जितना हो सका वो किया है। और इनमें 5 चीज़ें बातें याद रखनी है जो बच्चे वहाँ पर गए थे। सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 70% जो भी जगह थी, सेंटर थे, वहाँ पे कोई भी जैसे 10th की मार्कशीट नहीं है या सर्टिफिकेट नहीं है, कहीं जमा है, और यदि उसने जीरोक्स भी दे रहा है, मतलब जिसे बोलते हैं फोटोकॉपी, तो चल जा रहा है, और कहीं कहीं किसी स्टेशन में नहीं चल रहा है, ओरिजिनल ही चाहिए और वो नहीं चल रहा है, तो ये सब चीज़ें नहीं चल रही हैं। अब आते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट, बोलते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट ये चलेगा, वो चलेगा, इनका साइन होना चाहिए, तो कहीं कहीं प्रधान का भी चला है, ठीक है, 6 महीने पुराना है तो उसको भी ले लिया है, लेकिन बहुत से एयरफोर्स स्टेशन में ये भी नहीं लिया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एडमिट कार्ड है, जीरोक्स है किसी बच्चे का, चर्च प्रमाण पत्र या 10th की मार्कशीट घर पे रह गई जो आसपास नियर बाई था, उसको तो क्या किया है कि भाई मंगा ले, उनको अंदर करके बढ़िया, और उनका प्रोसेस स्टार्ट कर दिया और उनको कागज़ मंगा लिए, और फिर उसके बाद उस बंदे को अपीयर होने दिया, बहुत बढ़िया रहा, हेल्प मतलब हेल्प। लेकिन जो मैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से आपको सारे कागज़ ले जाने थे जो लिखा था एज पर रूल। चलो अब बात करेंगे हम रिटन एग्ज़ाम की। रिटन एग्ज़ाम के 4 पहलू थे टोटल, तो 4 पहलू में पहली बात करूँगा। सबसे पहले मैंने बताया था रिटन एग्ज़ाम होगा जो कि ऑफलाइन होगा, और मैंने एक सैंपल भी दिया था, सैंपल दिया था, इसके अकॉर्डिंग ही आएगा। जैसा सैंपल था उसी प्रकार आया है, बच्चे बहुत खुश थे। बच्चों से अनुरोध है कि किसी भी स्टेशन की फ़ोटो ना खींचें, ना किसी को भेजें, कोई बात नहीं, फ़ोटो तो खींचने से कुछ नहीं होता, और लेकिन खींचना नहीं है, ये हमारी तरफ से सजेशन है। और अगली बात बोलते हैं कि रिटन सबका पहले हुआ है, कि वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन रिटन सबका हुआ है, पहला रिटन सबका हुआ है। इसका तीसरा पॉइंट है, रिटन में वही सीट दी गई थी, एक नाम लिखने के लिए, एक पेपर दिया था, और एक आंसर लिखने के लिए, ठीक है। चौथा, रिजल्ट इसका 2 से 4 घंटे के बीच रिजल्ट आउट हुआ था, ठीक है, आउट हो गया था। इसके बाद आता है, अब हम बात करेंगे फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट के लिए बच्चों को 1 बज गया था दोपहर का, 1 बज गया था, मतलब 1 PM, तो भाई बच्चे भूखे भी थे। मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि भाई साथ में केले वेले चने वने लेके जाना, ताकि आपकी एनर्जी बरकरार रखे। तो 1 बज गया था, बहुत उनसे कहेंगे अपनी फिजिकल ऐसी मेंटेन रखो, गर्मी में भी आप दौड़ सको, कैसे भी मौसम में। जो इस बार नहीं हुए उनके लिए बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए, लेकिन तैयारी बना के रखें। फिजिकल हुआ, पुशअप हुई, सिटअप हुई, सारी चीज़ें हो गई, बहुत बच्चे पास हुए हैं। टेस्ट मैंने बोला था, अगर समय बचेगा, किसी किसी सेंटर में ट्रेड टेस्ट हुआ है, उस आज ही हो गया है, 9 तारीख को हो गया है, क्योंकि वहाँ बच्चे कम थे। और बात करूँ ट्रेड टेस्ट की, तो तुरंत हो गया है, बच्चे पास भी हुए हैं, उन्होंने हमें मैसेज भी किया है, तो ये हेल्प होती है, ये है फ्री, बिना रुपए के, हमसे, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। हम चाहते हैं हमारा जो युवा वर्ग है वो ऐसी शिक्षा प्राप्त करे जिससे रुपए भी ना लगें, और लोग लूटते हैं उनको इस जानकारी के देने के नाम पे। ये एक नॉर्मल जानकारी है जो सभी को होना चाहिए। तो फिजिकल ट्रेड टेस्ट भी हुआ, किसी किसी का ट्रेड टेस्ट बाकी है, वो कल होगा, मैक्सिमम 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, किसी किसी में 3 दिन लेंगे, नहीं तो 2 दिन में ये टेस्ट ख़त्म हो जाएगा नॉन कमांडेंट का। ये सिर्फ फुल प्रोसेस सिर्फ 2 से 3 दिन का ही है, फुल प्रोसेस 2 से 3 दिन का है, क्योंकि बहुत जगह लोग कम पहुंचे हैं, तो क्योंकि कॉल लेटर भी कम थे, तो मेडिकल टेस्ट होगा 10 और
11 को, तो 10 को 100% 90% लोगों का 10 तारीख को मेडिकल हो जा रहा है, 90% 10 को हो जाएगा। तो अगली भर्ती के लिए बस मैं नॉन कम्बेंडेंट की भर्ती को यहीं ख़त्म करता हूं और अब अगले भर्ती पर आता हूं और इसकी पढ़ाई मैं जारी रखूंगा दूसरे एग्जाम के लिए। तो जय हिंद वॉरियर्स।